वैसे तो देश विदेश में गुलाबी नगरी में होने वाली पतंगबाजी का अलग ही पहचान है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी फीकी नजर आ रही है। ऐसे में त्योहार पर रंग भरने के लिए कई जगह पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी जयपुर के तिलक नगर में पतंग महोत्सव और लोहड़ी पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यापकों और विद्यार्थियों ने जमकर पतंगबाजी का आनंद लिया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस दौरान कोरोना वायरस के स्लोगन वाली पतंगें उड़ाई गईं। वहीं इसके बाद पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड में 3 विद्यार्थियों का चयन होने पर उनको सम्मानित किया गया। खास त्यौहार है तो मनाना जरूरी था, साल की शुरुआत अच्छी हो और ये जो हमारा कोरोना काल है उससे थोड़ा सा रिलीफ होए, बच्चों को इंस्पायरेशन मिले एंड दे विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। हाँ, हमारे तीनों बच्चों को, 4 में से 3 बच्चे सिलेक्शन हुए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आगे भी इनके 10,000 रुपये के अवार्ड मिले और आगे भी जो स्कूल जो कर सकता है इनके लिए आगे। मेरा नाम आदित्य गर्ग है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। इंस्पायर अवार्ड्स के रिगार्डिंग मुझे सूचना हमारे प्रिंसिपल सर से मिली, उन्होंने हमें मैसेज भेजा तथा एनकरेज भी करा कि हम इसमें पार्ट लें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। मैंने वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बनाया और मेरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट हो गया है और मुझे इसके लिए 10,000 रुपीज़ का कैश प्राइज मिला। माय नेम इज ऋषभ खंडेलवाल। मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था कि हमारे देश में पानी, जैसे ही बारिश का मौसम आता है पानी रोड पे बहता है और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिससे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। क्या दिया था अपने प्रोजेक्ट में? तो मैंने प्रोजेक्ट में ये दिया कि हम जब रोड बनाते हैं जब एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो सारे पानी को सोख लेगा जिससे बाढ़ की समस्या या तो कम हो जाएगी या पूरी तरह बंद हो जाएगी और हमारी सोसाइटी को उससे हेल्प मिल सके। मेरा नाम शगुन साकला है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने अपने प्रोजेक्ट में गार्बेज का आयोटा बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का तैयार करा है प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो सेंसर्स होंगे आयोटा सेंसर्स वो गार्बेज की लेवल को डिटेक्ट करके और जब वो फुल हो जाएगा या फिर कुछ लेवल तक बढ़ जाएगा तो वो डायरेक्ट अथॉरिटी को वाया वेबसाइट और वाया मोबाइल मैसेज सेंड कर देंगे, तो वो आके अपना कलेक्ट कर सकते हैं।